विदिशा जिले के ग्यारसपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से खड़ी फसलें चौपट हो गई। ग्यारसपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गुलनोटा क्षेत्र में रईस नगर, पिपरिया, धोखेड़ा, गजरबसिया, जामुन मिंडिया, गंभीरिया और अन्य कई ग्रामों में भी अनावश्यक ओलावृष्टि से चना, मसूर, गेहूं की खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि हमारी आई हुई फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। प्रशासन से फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की किसानों ने मांग की है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हमारे बाल बच्चे हम क्या करेंगे बताओ, आज ही मर गए। प्रशासन आपके साथ खड़ा है, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और एक एक फसल आपके ये स्थिति है। किसानों के लिए खाने के लिए दाने नहीं बचे, प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। व्यवस्था की जाए किसानों को, मैं क्या मांग करूं, मेरे तो खावे नहीं बचा कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है खेत में। सभी का ये बताओ क्या करें। आज सुबह की घटना है, सुबह से हम लोग फील्ड पे एक एक खेत काम बना रहे हैं और आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आज मैडम कितने दिन रहने का सोयाबीन का नहीं मिला हमको, आप ये बताओ मैडम सोयाबीन का 100 रुपए बीघा मिला है। भेज देंगे आज, हम भेज लेते हैं अपना किसान का सर्वे करा, जब हार्वेस्टर चल जाएगा फिर सर्वे होगा। मैडम सोयाबीन का भी नहीं मिला, मैडम आप बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।